हेलो दोस्तों, आप सभी का जी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने जी स्टडी चैनल में 15 क्वेश्चनों का एक सेट तैयार किया है। उन सेटों में आपको महत्वपूर्ण जीके मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों के किस रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो कि पौधों के रोग होता है, जो रिंग रोग है, वो आलू का विल्ट यानी ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूमिजमैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों, इसका अध्ययन जो कि न्यूमिजमैटिक है, उसका अध्ययन सिक्कों से होता है। इसका ऑप्शन जो कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों, एपिडेमियोलॉजी जो कि महामारी रोग यानी ये चरम रोग है, उससे संबंधित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? दोस्तों, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है, जिसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, बिजली का प्रतिरोधक मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, बिजली का उपकरण जो कि ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक एंजाइम का नाम बताइए जो वसा फिट को पचाने में मदद करता है। दोस्तों, ऐसा वसा जो एंजाइम को पचाता है, वो लाइपेस वसा है, जिसे एंजाइम पचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में एकमात्र खगोलिक पिंड है, जिसके 17 स्थानों जैसे नहरों, सागरों आदि के ठोस प्रमाण पाए गए? दोस्तों, ऐसा प्रमाण तो सिर्फ टाइटन में पाया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बृहस्पति ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह का नाम ग्रीक पौराणिक कथा में जी उसके कई प्रेमी में से एक का नाम पर रखा गया? दोस्तों, ऐसा नाम कैलिस्टो के नाम से रखा जाता है, जिसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? दोस्तों, यूरोपा यानी बृहस्पति, यानी दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो कि उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चंद्रमा की उत्तम चोटी है? दोस्तों, उत्तम चोटी माउंट लिवनीटज है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका मिशन अपोलो 11 के कमांड के रूप में चंद्रमा पर चलने वाले पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों, जो कि नील आर्मस्ट्रांग था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वरुण ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह जो कि टाइटन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? दोस्तों, क्रेनियल नसें, जो कि हमारी मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी में निकलती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले नेक्स्ट नए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।